चलता है लाइट। सब पूरा पूरा मॉल बंद हो गया है। ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। इट्स सो प्रीटी। कहाँ से चलता है लाइट? अभी 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में आई और ये भूल गई कि लाइट कहाँ से चलता है। इधर से चलता है मैम, इधर से। मौसी से भी फोन में बातें कर रही है। अब विश करते हैं। उधर है लाइट उसका, आगे इधर 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 लाइट। मम्मा मम्मा हेलो बोलो इधर। हेलो। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं हमें याद था। हैप्पी बर्थडे। और कैसा लग रहा है वापस ऑस्ट्रेलिया आके अपने बर्थडे वाले दिन? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट एक्चुअली हम लोग सॉरी तो एक्चुअली हम लोग फ्लाइट से आए थे, तो उसके बाद हम 9th को पहुंचे थे और आज 10 हो गया, मतलब रात हो गई है। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि कुछ सरप्राइज अरेंज करें, बट एटलीस्ट हमने विश कर दिया। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हमें आपको याद नहीं था ना अपने बर्थडे? देखा, हमें याद था। हाँ, हमें याद था। हेलो एवरीवन, सो आज हम हैं ऑस्ट्रेलिया में और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग होगा ऑस्ट्रेलिया का। वो है मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। एक्चुअली वी आर लेट, अभी 6 बज गए हैं और 7 बजे सारे शॉप्स बंद हो जाएंगे, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जो शॉपिंग सेंटर है वो हमारे घर के लाइक 3 मिनट की दूरी में है। गाइज अभी शाम के बज गए हैं, 5:30 बजने वाले हैं, हमें 6:15 हो गया है और हम दोनों अभी अभी नहा नहा के आए हैं। हमें नहाना नहीं चाहिए था, नहाने की वजह से हम लेट हो गए और सब पूरा पूरा मॉल बंद हो गया है। हम उधर जा रहे थे क्योंकि उधर से था, पर उन्होंने बोला कि वो क्लोज है, सो देर इज़ नो नीड टू वॉक उधर। तो उधर अभी 21 डिग्री, इतनी गर्मी है, अब क्या करें, कुछ भी नहीं है। रेशमा उधर से भी क्लोज है, तो बहुत ही पास था। I don't know, क्या करेंगे। केक शॉप तो ऑलरेडी क्लोज है, तो हमने सोचा कुछ गिफ्ट ही ले लेंगे। पर ये देखो ना, आई कैन ऑर्डर ऑनलाइन, सो वो कब आएगा? लेट्स सी गाइस, सारी शॉप बंद हो गई और हम इतना लेट है। एक्चुअली हम लेट ही उठे थे आज, और क्योंकि कल का जो टायर्डनेस अभी तक था। और रेशमा दौड़े दौड़े जा रही है, पता नहीं क्या होगा, कुछ ले भी पाएंगे या नहीं, पर फिर भी हम जा रहे हैं। कल हमने ऑर्डर कर दिया चीज़ केक, क्योंकि हम जा नहीं पाएंगे अभी क्योंकि वो अब क्लोज होने वाला है। तो फिर हमने गिफ्ट एक्चुअली खरीद लिया है, बस केक की ज़रूरत है और केक ऑर्डर कर दिया, तो अभी टाइम लगेगा आने में, तो ऑलमोस्ट हो गया। और अभी हम अपने थोपड़े के लिए कुछ ले लेंगे क्योंकि बहुत ही टैन हो गया हम। क्या गाइस, ये ना चप्पल नहीं रह रही इसके पास घर में पहनने के लिए नहीं है, फिर भी ये चप्पल नहीं ले रही है क्योंकि लेट हो रहा है। हमारी केक की डिलीवरी आ जाएगी, एक $2 की चप्पल के लिए $60 का। तो मम्मी तो खोल ही देगी, ये तो सरप्राइज का हुआ फिर। हाँ ये भी है। चलो गाइज, ये ना सिर्फ धोखा होता है, इसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ धोखा ही मिल सकता है। 250 रुपये में 2 बार खेल सकते हो, उसमें भी छोड़ रहा है। हाँ ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, तो आप ये मत ट्राई करना कभी भी जिंदगी में। मैं तो बोलता ऐसे रही जैसे आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैंने बता दी। गाइज आपको पता नहीं है कि हम कितने बड़े गरीब इंसान हैं, हम इतने बड़े गरीब इंसान हैं कि टिकट खरीदा के गरीब हो गए हम। क्या तो पता ही क्या हुआ, तो अमीर लोग ऐसे ऐसे झूला लेके जाते हैं और हम गरीब लोग ऐसे। ये सब्जी की थैले जो फ्री में मिलता है ना, उसी में सब कुछ डाल दिया। हेलो गाइज, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा केक ऑलरेडी घर में डिलीवर हो चुका है और हम लेट हो गए हैं, और मम्मा को शायद पता चल गया होगा कि केक आ चुका है घर में। और हमारे सरप्राइज की जो धजिया बनी है वो अलग बात है, और ये लड़की भाग रही है जैसे हाँ अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगी। एंड बाय द वे वो केक 3,000 रुपये का था, और जो डिलीवरी चार्ज थी ना, उस जो डिलीवरी चार्ज है ना उस केक की, वो 400 रुपये ले रहा। अरे 400 रुपये लेकर अगर उसने मेरे घर में डिलीवरी नहीं की ना, बहुत ही दुख होगा गाइज। वैसे उसका ना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती। वो तो इतने दूर में है, मुझे भागना पड़ेगा। गाइस हम जस्ट से पहुंच गए हैं और केक रखा। गाइस मम्मा को बता दे,
सो प्रीटी काफी प्रीटी है, बहुत अच्छा फ्रूट केक, एक्सपेंसिव भी तो है। और मम्मी शावर से आ रही है शायद, अभी नहीं निकली मम्मी आ रही है, चल से कैंडल्स लेके आ, जाओ जाओ। गाइस अभी जो हमारा प्लान था वो एकदम फ्लॉप हो गया, क्योंकि मम्मा ने देख लिया। लाइक इतना मैंने बचाने की कोशिश, ये मैडम जी भी तो यहाँ पे सजा के भाग गई, फ्रिज पे रखने की जगह मैंने वहां पर रखा, और ये इतना बड़ा द्वार जो दे रखा है ना इसमें, वो भी नहीं है क्या कहते गेट, क्या करे इंसान। मम्मी उधर से आई और इधर देख लिया मैंने, मैंने जैसे ही ऐसे बोला नहीं ऐसे करके, तो मम्मी ने देख लिया और हंसने लग गई, और अब आने लगी और ये मेल्ट हो रहा है पूरा, और फ्रिज में भी तो नहीं था ना, ता यम्मी लग रहा है। मम्मा कैसा लगा केक आपको? बहुत अच्छा लगा। और आपको पता था हमारे सरप्राइज के बारे में? नहीं था, पर नहीं? मुझे समझ आ गया था। कैसे? क्योंकि तुम लोग दोनों चले गए थे, जब ही मुझे लग रहा था याद आ गया कि कुछ तो सरप्राइज है। अच्छा, तभी पता चल गया था। हाँ ओके, आपके लिए फ्रूट केक आया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच दोनों को। यार वेलकम। चॉकलेट केक भी मुझे पसंद नहीं आता है, पर फिर भी सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। हाँ ओके चलो काटते हैं। और ये भी है मम्मी का गिफ्ट, मम्मी को गिफ्ट। मम्मी ओ थैंक यू सो मच। क्या है मम्मी? क्या है बताओ? ये है परफ्यूम। अच्छा अभी हम थोड़ा थोड़ा केक खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ एक्चुअली मैं नहीं खाया। मम्मा कैसा लगा आपको केक? बहुत अच्छा लगा। और अपना गिफ्ट तो ओपन करो। अब मेरा गिफ्ट ओपन करने का टाइम है। रुको बताओ मम्मा कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। स्मेल कैसा है? स्मेल भी बहुत अच्छा है और मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया। लास्ट बार भी मेरे को परफ्यूम गिफ्ट मिला था। हाँ और वो खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो हम लोगों ने सोचा कि एक और परफ्यूम ही दे दें, और क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, कल ही आए थे, तो फिर ये छोटा सा हमने मम्मी के लिए सरप्राइज अभी करा है इंस्टेंटली। हाँ तो चलो बहुत बड़ी बात है, और तुम लोग को दोनों को और एक बार थैंक यू सो मच। ओहो मेरे तरफ से यार वेलकम। मम्मी ने नया नया सूट पहना है, इंडिया से लेके आई है, सब अब सूट पहनेगी समर है तो। अब मैं इंडिया से ले आई हूँ तो अब सूट पहनूंगी, पहले बहुत दिन के बाद पहन रही हूँ, साढ़े तीन साल वेट किया पहनने के लिए, और अच्छा लग रहा है अब सूट पहन के। ओके।